हेलो ट्वेल्थीज, तो करते हैं आज की क्लास शुरू क्योंकि आ गया आपका मैथ्स का गुरु। आज हम करने जा रहे हैं अपना बहुत प्यारा चैप्टर, चैप्टर नंबर 2, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसके बिना आपको डिफरेंशिएशन यानी चैप्टर नंबर 5 प्रॉपरली नहीं आएगा। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, इसको समझने से पहले हमारे को ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनानी आनी चाहिए। अगर आपको आती है तो आप वीडियो को थोड़ा आगे ले जाए और इस पोर्शन को कट कर दे, बट जिन स्टूडेंट्स को नहीं आती वो यहां समझे। देखो बेटा, हमने लास्ट ईयर पढ़ा था कि हम एंगल को दो टर्म्स में मेजर करते हैं, एक होता है डिग्री, एक होता है डिग्री मेजर और एक होता है रेडियन मेजर। अगर आप क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्री पूरी तरह भूले हुए हैं या आपको पढ़ाई नहीं आपने, कोई बात नहीं, बस इस वीडियो में अच्छे से फोकस करना और प्रैक्टिस करना, आपको सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्री समझ आ जाएगी। तो डिग्री मेजर क्या होता है, जब हम एंगल्स को डिग्री में मेजर करते हैं, यानी जिस तरह हम लिखते हैं 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। रेडियन मेजर क्या होता है, जब हम एंगल्स को पाई की टर्म्स में मेजर करते हैं, इन टर्म्स ऑफ पाई। यानी जिस तरह अगर आपको याद होगा हमने लास्ट से सीखा था कि पाई हमारा 180 डिग्री होता है, पाई बाय 2 हमारा 90 डिग्री होता है। आई होप आपको ये वाला पॉइंट याद हो। नाउ तो पहले ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की बात करते हैं, कैसे बनाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। 0 0 डिग्री होता है, 30 को हम क्या लिखते हैं, पाई बाय 6, 45 को पाई बाय 4, 60 को पाई बाय 3 एंड 90 को पाई बाय 2। ये आपको वैल्यूज पाई बाय 6, पाई बाय 4, पाई बाय 3, पाई बाय 2 ये आपको अच्छे से याद होनी चाहिए कि पाई बाय 6 का मतलब 30। नाउ अब कैसे बनाते हैं, आओ जिससे हम बात करते हैं साइन की। तो साइन की वैल्यू के लिए क्या करो, अंडर रूट 0/4, अंडर रूट 1/4, अंडर रूट 2/4, अंडर रूट 3/4, अंडर रूट 4/4। 0/4 इज 0, तो रूट में 0, रूट में 0 क्या बनता है मेरा 0। 1/4, 1 का रूट 1, 4 का रूट 2, रूट 2/4 कितना हो जाएगा कट के, रूट 1/2, 1 का रूट 1 और 2 का रूट रूट 2। रूट 3/4 यानी रूट 3/2 एंड 4/4 इज 1, क्योंकि 1 का रूट 1 हो जाएगा। कॉस के लिए क्या करो, इसे रिवर्स ऑर्डर में लिखना स्टार्ट करो, यानी पहले 1, फिर रूट 3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 एंड देन 0। टैन के लिए साइन को डिवाइड कर दो कॉस से, साइन अपॉन में कॉस, 0/1, देखो कैसे 0/1, 0, 1/2/√3/2, 1/2/√3/2 ये आ जाएगा आपका 1/√3। तो मैं थोड़ा फास्ट कर दूंगा, 1/√2, 1/√2, 1 और ये हो जाएगा रूट 3, 1/ में 0 यानी नॉट डिफाइंड। कॉट के लिए क्या करो, इसे रिवर्स ऑर्डर में लिखो, यानी पहले नॉट डिफाइंड, फिर रूट 3, फिर 1, फिर 1/√3 एंड द लास्ट वन इज 0। कॉसेक के लिए साइन का रेसिप्रोकल कर दो, 1/ साइन, यानी जिस तरह 0 है, 0 के नीचे 1 होता है, तो रेसिप्रोकल करूंगा 1/0 यानी नॉट डिफाइंड। 1/2 का रेसिप्रोकल 2, रूट 2, 2/√3 एंड 1 का 1। सेक के लिए कॉसेक को रिवर्स ऑर्डर में लिखो, 1, 2/√3, रूट 2, 2 एंड नॉट डिफाइंड। अब आई होप आपको ये टेबल तो याद आ चुकी होगी। अब बात करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है ये। बेटा जिस तरह हम सबको पता है कि साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1, सब जानते हैं, टेबल में भी दिख रही होगी। अब अगर मैं आपको उल्टा बोलूं, मैंने भी आपको बोला कि साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी है, आप झट से बोलोगे सर 1। अब मैं आपको कह रहा हूं बेटा ध्यान से सुनना, साइन में 1 कितने डिग्री पर आता है, साइन में 1 वैल्यू कितने डिग्री पर आता है। आप झट से बोलोगे सर
90 डिग्री पर। मैंने कहा अच्छा बेटा एक बात और बताओ, साइन में 1/2 कितने डिग्री पर आता है? अब झट से बोलोगे सर 30 डिग्री पर, राइट। यही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है। कैसे? इसे मैं लिखूंगा साइन इनवर्स 1, यानी साइन की टेबल में 1 कितने डिग्री पर आता है, विच इज 90 डिग्री। साइन इनवर्स 1/2 कितने पर आता है? 30, यानी क्या लिखेंगे? 5/6। बेटा यही मेरी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है। सो आई होप आपको पहले मीनिंग क्लियर होगा। अब करना कैसे, क्या करना है, वो मैं क्वेश्चन के थ्रू एक्सप्लेन करता हूं। एग्जांपल 1 क्या है? फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2। साइन इनवर्स 1/√2 की प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। बेटा पहले ये बताओ साइन की टेबल में 1/√2 किस पे आता है? 45, बेटा 45 नहीं, रेडियन मेजर में यूज करना है, यानी पाई बाय 4। तो कैसे लिखेंगे? साइन इनवर्स 1/√2, बेटा 1/√2 को हम लिख सकते हैं साइन पाई बाय 4। आप बोलोगे यस। अब खुद देखो बेटा साइन इनवर्स से साइन कट गया, कितना आंसर आ गया? 5/4। ये था मुश्किल लगा नहीं ना? एक काम करो, वीडियो को जरा पॉज करो और जिन क्वेश्चन पे मैं रेड से टिक कर रहा हूं उसे करके दिखाओ। क्वेश्चन 3, 2, 7, 8 इसे करो। तो आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम आई नहीं होगी आपको। अब आगे कुछ फॉर्मूलास की बात कर रहे हैं, कुछ फॉर्मूलास लिखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के। सबसे पहला फॉर्मूला, अभी तक यहां पर सारे एक्स या मैं बोलूं एंगल कितने थे? पॉजिटिव के थे, राइट। 1/√2 इस तरह यहां पर भी दिया मैंने, 3/2 अगेन पॉजिटिव। कैसे करने के बाद बता देता हूं, कॉस इनवर्स, कॉस किस पे 3/2 होता है? 30 पे, यानी पाई बाय 6 पे आंसर आ गया, पाई बाय 6, राइट। अभी तक सारे एंगल पॉजिटिव थे, बट अगर नेगेटिव आ जाए तो क्या होगा? तो उसके लिए कुछ फॉर्मूला लिखिए पहले। पहला साइन इनवर्स माइनस एक्स, ये होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स, यानी अगर साइन के अंदर एक्स नेगेटिव है तो साइन माइनस को बाहर कर देगा। दूसरा कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। तीसरा टैन इनवर्स माइनस एक्स, माइनस टैन इनवर्स एक्स। ये तीन एक वैरायटी के हो गए। अब जरा आगे ध्यान से देखना। अब अगर मैं बोलूं आपको कॉस इनवर्स माइनस एक्स, तो ये होगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। फिर सेक इनवर्स माइनस एक्स, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। फिर कॉट इनवर्स माइनस एक्स, ये हो जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, राइट। पाई माइनस, अब बात करते हैं आगे कि नेगेटिव वाले कैसे होंगे। इसके लिए पहले क्वेश्चन नंबर 1 पिक करते हैं। क्वेश्चन 1 क्या है? साइन इनवर्स माइनस 1/2, साइन में नेगेटिव, अभी फॉर्मूला पढ़ा हमने क्या, साइन इनवर्स माइनस एक्स, ये क्या होता है मेरा माइनस साइन इनवर्स एक्स, यानी माइनस पहले बाहर फिर साइन इनवर्स 1/2। अब साइन में 1/2 किस पे आता है? 30 पे, बट 30 नहीं, क्या बोलना है? पाई बाय 6, साइन इनवर्स साइन पाई बाय 6 आंसर इज माइनस पाई बाय 6। एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन 1 हो गया, एक देते हैं क्वेश्चन 5। कॉस इनवर्स माइनस 1/2, कॉस इनवर्स माइनस एक्स क्या हो जाएगा? पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, पाई माइनस कॉस इनवर्स
कॉस किस पे 1/2 होता है, कॉस 60 पे होता है, यानी पाई बाय 3 पे कट गया, पाई माइनस पाई बाय 3, एलसीएम लो 3, 3 पाई माइनस पाई यानी हो जाएगा 2 पाई बाय 3। अब अगर आपको क्लियर है तो क्वेश्चन नंबर 6, 4, 9, 10 अटेम्प्ट करो। एंड फिलहाल अब मैं क्वेश्चन 11 और 12 कराऊंगा, अगर वो भी क्लियर है तो 11, 12 अटेम्प्ट करो। हाँ जी, क्वेश्चन 11 की हम बात कर रहे हैं। क्या है, tan inverse 1 plus cos inverse minus 1/2 plus sin inverse minus 1/2। tan inverse 1 ये तो डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा, क्या tan inverse tan pi by 4। कुछ स्टूडेंट्स का पॉइंट आएगा, क्या सर हम डायरेक्ट pi by 4 नहीं लिख सकते ऐसे करके? बिल्कुल लिख सकते हो, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए डायरेक्ट लिखो। कॉस में नेगेटिव, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा, कॉस में नेगेटिव आ जाए कॉस इनवर्स में, तो पाई माइनस, यानी पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। साइन में नेगेटिव, साइन इनवर्स नेगेटिव है तो माइनस आर, माइनस साइन इनवर्स एक्स, यानी माइनस साइन इनवर्स 1/2। ये क्या हो गया, पाई बाय 4 प्लस पाई माइनस कॉस इनवर्स cos 60 sin inverse sin 30, सॉल्व करो, pi by 4 प्लस pi माइनस pi by 3 माइनस pi by 6, pi by 4 प्लस pi, इसको LCM यहीं पे ले लेते हैं हम, 4 1 3 6 का LCM 12 होता है, 12 बाय 4 3, तो क्या बनेगा 3 पाए प्लस 12 पाए माइनस 4 पाए माइनस 2 पाए, 3 12 15, 15 माइनस 6 9, तो ये मेरा बन गया 9 पाए बाय 12, कैंसल होके 3 पाए बाय 4। क्वेश्चन नंबर 12, कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, कॉस इनवर्स 1/2 कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। कॉस में 1/2 कॉस 60 पे यानी पाई बाय 3, और साइन में 1/2 साइन पाई बाय 6 यानी 30 पे, ये हो गया पाई बाय 3 प्लस 2 इंटू पाई बाय 6, पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 3, आंसर इज 2 पाई बाय 3, ये आंसर आ गया। 14 क्वेश्चन इसी तरह आप खुद ब खुद करेंगे। 13 के लिए मैं आपको आगे बताऊंगा डोमेन रेंज, इसका वो सारा मीनिंग क्लियर करेंगे, बट वो चैप्टर के एंड में, अभी नहीं। तो 13 का सीधा आंसर कर लीजिए, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू माइनस पाई बाय बी, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक, बी का ऑप्शन कर लीजिए। सो पहली एक्सरसाइज आपकी होमवर्क में है, बाकी के सारे क्वेश्चन अपने आप करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।